डियर स्टूडेंट्स, आज हम सिविल वीविंग के बारे में पढ़ेंगे और इसे आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम लैपिड वीविंग आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो हम सिविल वीविंग स्टार्ट करते हैं। टर्म सिविल कैसे कहाँ अप्लाई होता है? टर्म सिविल का मतलब है कि ऐसे लूम के लिए अप्लाई होता है जिसमें कुछ नैरो टाइप के फैब्रिक बनते हैं, मतलब पतले फैब्रिक होते हैं, जैसे बैंड्स हो गया, रिबन हो गया, टेप हो गया, जो एक ही लूम पे कई सारे नैरो वोवन जो फैब्रिक की स्ट्रिप्स हैं वो इंडिपेंडेंटली बनती रहती है। ठीक है, तो उसमें सिविल टर्म यूज किया जाता है। इसका मतलब इसी सिविल टर्म के अकॉर्डिंग सिविल वीविंग टर्मोलॉजी आई। इसमें क्या रहता है, कई सारे छोटे छोटे शटल्स रहते हैं जो ऑर्डिनरी शटल के साथ कंजुगेशन में काम करते हैं और बेसिकली ग्राउंड वेव जो ऑर्डिनरी शटल है वो ग्राउंड वेव डालती है और फाउंडेशन बार के साथ बनाती है। जो सिविल शटल है वो जो एक्स्ट्रा वेव ट्रिगर है उसको बनाते हैं। फिर से समझेंगे क्या है जो सिविल वीविंग है, वो बेसिकली एक्स्ट्रा वेव ट्रिगरिंग है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्स्ट्रा वेव ट्रिगरिंग में क्या होता है, हमें पता है कि जो एक फिगर है एक एक्स्ट्रा वेव में क्या रहता है, हम एक थर्म ग्राउंड स्ट्रक्चर रहता है उसमें जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स क्या करते हैं, वो फिगर बनाने का काम करते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा थ्रेड को निकाल दें तो अपना ग्राउंड स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, वो हमने एक्स्ट्रा वेव फिगरिंग पढ़ी थी। अब इसमें क्या है, इसमें क्या रहता है, जो ग्राउंड स्ट्रक्चर में एक अपना ग्राउंड का बर्थ और ग्राउंड के वेव का इंटरलेसमेंट होके ग्राउंड स्ट्रक्चर बना और उसमें जो फिगरिंग होती है वो जो ग्राउंड के ही बर्थ है उसमें एक्स्ट्रा जो वेव थ्रेड है उसको इंसर्ट करके उसमें डिजाइन दी जाती है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं, अब डिजाइनिंग कैसी होती थी, हम एक्स्ट्रा वेव फिगरिंग की बात करें तो डिजाइनिंग इस तरीके से होती थी कि एक पिक अपना ग्राउंड वेव का पड़ेगा, दूसरा पिक हमारा एक्स्ट्रा वेव का पड़ेगा और वो उतने ही एंड अप होंगे जितने एंड में वो डिजाइन होगी। इस तरीके की डिजाइन एक्स्ट्रा वेव फिगरिंग में होती है। अब इसमें क्या रहता है, हमारे एक्स्ट्रा वेव फिगरिंग में क्या रहता था, जो हमारा पिक पड़ता था वो पूरी विड्थ में पड़ता था, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पूरी विड्थ में वो एक्स्ट्रा वेव पड़ता था। अब लेकिन हमारी जो फिगरिंग है वो छोटी सी फिगरिंग है तो पीछे जो एक्स्ट्रा वेव का यार्न है बैक साइड ऑफ फैब्रिक में वो दिखता था, आइदर हमें उसकी कटिंग करनी पड़ती थी या हमें ग्राउंड स्ट्रक्चर के साथ उसमें ऐसे हल्का सा मेंडिंग देनी पड़ती थी ताकि एक्स्ट्रा वेव हमारा हिंड्रेंस न करे फैब्रिक स्ट्रक्चर में। अब रही बात इसकी, तो जो एक्स्ट्रा वेव है वो पीछे जो एक्स्ट्रा के रूप में रहता था आइदर वेस्ट के रूप में निकलता था या वेस्ट के रूप में ना निकल के अगर हेल्डअप रखना है तो हेल्डअप बना लेता था। हमारा इसमें क्या यार्न में बहुत ज़्यादा वेस्ट बनता था ड्यू टू डिजाइनिंग। जब ज़्यादा वेस्ट बनेगा और अगर हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट कॉस्टली है तो हमें लॉस होगा। ठीक है ना, तो इसी पर्पज से ये सिविल वीविंग हमारी डेवलप की गई। इसका चीफ पर्पज क्या है, जो ऑर्नामेंटेशन दे रहा है एक्स्ट्रा वेव्ड या जो डिजाइन बना रहा है उस यान का लीस्ट पॉसिबल वेस्ट के साथ डिजाइन को बनाना। और दूसरा क्या है,
अब इसमें जो जो फिगर्स हैं वो कैसे बनेंगे, इसमें मल्टीपल ऑफ सर्कल्स हैं, एक सिले के ऊपर एक होल्डर दे रखा है, उसमें मल्टीपल ऑफ सर्कल्स की असेंबली दी जाती है। वो किस हिसाब से असेंबली दी जाती है? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई डिजाइन ली, आगे चलते हैं डिजाइन ले लेते हैं, ये डिजाइन ली, ये वाला ये फिगर एक लाइन में है, सिंगल लाइन में ये दोनों फिगर है, दिख रहे हैं हम लोग सिंगल लाइन में। तो एक सटल असेंबली क्या होगी, इस लाइन के कंप्लीट फिगर को बनाना, इतनी बिट्स हैं वो सटल काम करेंगे। अब दूसरा जो सटल असेंबली होगी, जो स्मॉल सटल्स हमने एम्प्लॉय की हैं, वो दूसरी लाइन की डिजाइन। अब ऐसे ही अपना तीसरी जो सटल असेंबली होगी वो तीसरे टाइप की डिजाइन, चौथी सटल असेंबली चौथी असेंबली। अब माना कि हमारी फेब्रिक की बिट 1.5 मीटर है और उसमें ये जो इस तरीके की लाइनें हैं वो 10 है, तो 10 स्मॉल सटल असेंबली होगी। और जो ग्राउंड वीव स्ट्रक्चर बना रहा है, ये ग्राउंड वीव स्ट्रक्चर है, जो हमारा नॉर्मली ग्राउंड स्ट्रक्चर है वो हमारा एक ऑर्डिनरी सटल असेंबली होगी जो कंप्लीट फेब्रिक की बिट में काम करेगी। और जो स्मॉल सटल असेंबली जो है वो पर्टिकुलर लाइन के लिए क्या, अगर हमारी डिजाइन कंप्लीट फैब्रिक के बीच में अगर ऐसी 10 लाइनें हैं तो हमें 10 स्मॉल सटल यूज करना पड़ेगा। और ये स्मॉल सटल में वो कहाँ रखे जाते हैं, सिले के ऊपर एक होल्डर बना है। अब यही कहता है, यहाँ क्या कह रहे हैं, ईच केसेस ईच पार्ट ऑफ फिगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ क्लॉथ इज फॉर्म्ड बाय द सेपरेट शटल, अलग अलग शटल से बनेगी। एक्स्ट्रा वेव दस बीइंग इंट्रोड्यूस ओनली वेयर रिक्वायर्ड, तो मतलब एक्स्ट्रा, अब जब हमारा जो डिजाइन है, पहले जब ये वाली डिजाइन हम एक्स्ट्रा वेव फिगर में बना रहे थे तो ये फिर कंप्लीट बिट में पड़ता था, फेब्रिक की बिट, ये कंप्लीट फेब्रिक बिट है, इस कंप्लीट फेब्रिक बिट में जो एक्स्ट्रा वाला बिट था वो कंप्लीट बिट में पड़ता था। अब हमने जो स्मॉल सटल है उसमें एक्स्ट्रा बिट हमने दिया है, वो सिर्फ इतने एरिया में ही यान को दे दिया, यहाँ यान को दे दिया, दूसरी सटल असेंबली में यहाँ यान को दे दिया, तीसरी सटल असेंबली में यहाँ यान को दे दिया, चौथी सटल असेंबली में, तो ना तो हमें कट की जरूरत है इसमें, जो हमें एक्स्ट्रा वेव को कट करना पड़ता था, और ना ही हमारा यान का वेस्ट हो जाता, क्योंकि जो यान यूज हो रहा है वो डिजाइन को, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा मटेरियल की हम नीड ना हो। शेविंग है वो जो, अगर हमारा शेविंग यान बहुत ज़्यादा क्वालिटी है तो हमारी यान की शेविंग है। और इस मेथड का एडवांटेज क्या है कि यान की शेविंग के साथ साथ अब अगर हमें जो पर्टिकुलर एक लाइन में अगर हमें डिफरेंट कलर की तो हम जो सटल असेंबली सटल असेंबली नहीं है उसमें हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं, ये एडवांटेज है, जिससे हमारा एपियरेंस रिच बना सकते हैं हम उसको सरफेस को। अब एक्चुअली क्या है, अब ये जो मैकेनिज्म है जिससे फैब्रिक बन रहा है ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें 10 स्मॉल सटल असेंबली जो उनका पिकिंग असेंबली होगी, उसके साथ साथ एक ऑर्डिनरी सटल की फ्लाइंग असेंबली है। तो ये जो मैकेनिज्म है वो थोड़ी सी
क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, जिसके कारण क्या है उसकी और हमारा जो क्लॉथ है वो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फेस है, ठीक है, ये हमारा फेस है, ये हमारा बैग, लेकिन जब घूम के जब बनेगा तो ये वाला हमें ऊपर दिखेगा, ये वाला बॉटम में होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये क्लॉथ का मैंने जो स्ट्रिंग है वो इस डायरेक्शन में मतलब रॉन्ग साइड अप में क्लॉथ हमारा बनता है, जिसके चलते हुए जो फॉल्ट अपना एक्चुअल फेस डायरेक्शन में कोई फॉल्ट होता है तो हमें वो दिखता है। तो ये डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है, आई थिंक इंट्रोडक्शन क्लियर। अब हम मैकेनिज्म पे चलते हैं। सिविल मैकेनिज्म क्या होता है, ये छोटी छोटी सतह में मैंने क्या बताया था कि वो थ्री फ्रेम की ऊपर एक उन्होंने अलग से फ्रेम दिया गया, वो उसमें माउंट होती है, ठीक है ना, और जैसे जैसे साइकिल ऑफ ऑपरेशन चलता है वैसे वैसे वो आती रहती है। अब ये जो फ्रेम है वो जस्ट सिले सिस्टम से जस्ट ऊपर लगा रहता है, ठीक है ना, और कैसे काम करेगा कि एक पहले जब हमारा ग्राउंड से इंसर्ट हुआ, ग्राउंड से हमारी प्लेन भी नॉर्मली हम दे देते हैं, और तो कोई भी दे सकते हैं, अगर हमें प्लेन भी यूज दी तो हमारा ग्राउंड भी तो हमारा पिक इंसर्ट हुआ। अब हमारा अगर हमारा दूसरा पिक अगर हमारा एक्स्ट्रा बेस पिक बदलना है तो जो असेंबली है वो ऊपर से नीचे लोअर आती है और सेड की पोजीशन में आ जाती है। सेड की पोजीशन में आ जाने के बाद असेंबली क्या करती है, वो फिक्स इंसर्शन का काम करती है। जो असेंबली लोअर फॉर एग्जाम्पल असेंबली लोअर सेटल क्या है, अगर ये हमारा ये वाला फिगर है तो जब हमारा एक्स्ट्रा बिट डल रहा है तो एक जो असेंबली है वो इसको इंसर्ट करेगी, दूसरी वाली जो असेंबली है इसमें अभी फिगरिंग नहीं है, दूसरी वाली असेंबली अभी ब्लैंक है, इसमें कोई भी शटल में इंसर्शन नहीं होगा। अब तीसरा वाला जो हमारा शटल असेंबली है वो हमारी फंक्शन में होगी साइमल्टेनियस टू पहली वाली असेंबली की, पहली वाली भी असेंबली वर्किंग में होगी और तीसरी वाली भी होगी। इसी हिसाब से जो जो डिजाइन उसकी हॉरिजॉन्टली क्लियर होंगी वो शटल असेंबली काम करेगी और उस डिजाइन को बनाएगी। अब डिजाइन कैसे बनाएगी, क्योंकि हमारा रॉन्ग साइड अप है तो इसमें क्या है, जो भी थ्रेड हमारे बेसिकली हमें वेफ्ट डायरेक्शन में हमारा ये फ्लोट बनता है, तो वेफ्ट डायरेक्शन में जब हमारा फ्लोट बन रहा है, ठीक है, तो हमें अप कौन से करने हैं, अब हमारे वो यार्न अप होंगे क्योंकि हमारा रॉन्ग वेफ है, तो हम वो यार्न अप होंगे जो हमारे यहाँ पे बैक में होंगे, ठीक है। तो इस तरीके की डिजाइन हमारी लूम पे दिखती है, बैक में अपने आप बनती है, ये हम आगे पढ़ेंगे उस हिसाब से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो कैरिंग फ्रेम है वो जब अपना ऑर्डिनरी पिक पड़ता है तो ये आउट ऑफ द वे हो जाते हैं, और बेसिकली जो ये डिजाइनिंग वो जैकार्ड कॉर्ड से कंट्रोल होती है। जैकार्ड कैसे तरीके से काम करता है, जैकार्ड ग्राउंड के लिए अलग से काम करेगा और अपना जो बेसिकली एक्स्ट्रा वेव फिगरिंग के लिए अलग से काम करेगा, तो हर पिक के लिए स्पेसिफिकली कार्ड डिजाइन होंगे और जैकार्ड वो एंड्स को रेजिंग और लोअरिंग करेगा। अब हम चलते हैं डिजाइनिंग में, सिविल डिजाइन कैसे बनती है, ध्यान देने की ज़रूरत है। बेसिकली अब हमारा ये फिगर था जो हमने पीछे डिजाइन ली थी,
ये फिगर था, इसकी इन्होंने यूनिट रिपीट बनाई है, ये यूनिट रिपीट है। तो यूनिट रिपीट कैसे में है, ये इस बाउंड्री के अंदर कंप्लीट रिपीट है, ध्यान दे रहे हैं हम लोग, इस बाउंड्री के अंदर की जो रिपीट है वो इसकी यूनिट रिपीट है, ठीक है। ये क्लियर है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये यूनिट रिपीट ले ली। अब हमारा इस वाले सिस्टम के लिए हमारा एक एक्स्ट्रा शटल असेंबली है, इस वाले सिस्टम के लिए अलग से एक्स्ट्रा असेंबली है। तो हम अब इस वाली डिजाइन को कैसे फिगर करना है वो हम देखेंगे। तो हमें बी में देख सकते हैं, बी में क्या है, एक इन्होंने ग्राउंड थ्रेड डाला, फिर एक एक्स्ट्रा थ्रेड है, फिर ग्राउंड थ्रेड है, फिर एक्स्ट्रा थ्रेड है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड का फ्लोट है वो इस हिसाब से बन रहा है कि ग्राउंड थ्रेड के साथ कॉम्बिनेशन में रहे, ध्यान दे रहे हैं, इसी को हम इस डिजाइन को ही इन्होंने यहाँ पे लिया है। जो एक्स्ट्रा थ्रेड है हमारा बिल्ट अप है, ठीक है। तो हमारे हमारा रॉन्ग साइड अप है, तो हमारी हमारी रॉन्ग साइड अप में क्या होगा, हमारा बार अप में रहेगा, ठीक है, और बिफ्ट डाउन में रहेगा, ठीक है। तो हमें एंड बो उस तरीके से रेज करने पड़ेंगे जहाँ पे भी एक्स्ट्रा बिफ्ट डाउन में हाइयर है। तो अब हम क्या करेंगे, एक हमारा विफ्ट है प्लेन वीप का, फिर इसके बाद हमारा एक्स्ट्रा का, प्लेन वीप का, एक्स्ट्रा का, इस हिसाब से बनेगा। अब हम इस फिगर को देखते हैं, इस फिगर को देखने की जरूरत है। जो हमारा एक्स्ट्रा विफ्ट है वो हमारा कंटिन्यूअस रहेगा, कहीं पे भी हमारा ब्रेकेज नहीं होगा। एग्जाम्पल, हम यहाँ से बॉटम से बनना शुरू होगा, ठीक है। डिजाइन अगर हमारी यहाँ से बन रही है, माना कि डिजाइन हमारी यहाँ से बनना शुरू हुई, तो ये वाला इस तरीके से इंटरलेसमेंट हुआ, इंटरलेसमेंट देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ऐसा इंटरलेसमेंट हुआ। ये एक्स्ट्रा बिफ्ट है, ये अप है, नंबर ऑफ एंड्स हम गिन सकते हैं उस हिसाब से, ये अप है। फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट पिक पड़ा, पहले हमारे एक्स्ट्रा बिफ्ट शटल ने यहाँ पे इतने एंड हमारे जो क्या थे, हमारा रिवर्स डायरेक्शन में अप था, तो इतने एंड हमारे अप हुए, ठीक है। और बिफ्ट ये हमारा डाउन में आया, तो हमारा ये फ्रंट में बनेगा, ये वाला पोर्शन हमारा फ्रंट में बनेगा, और इसकी जो बैक है वो हमें ऊपर लूम पे दिखेगी। तो इतने एंड इन्होंने अप किए, ये वाला बिफ्ट डाउन है, ठीक है। फिर इसके बाद जो ऑर्डिनरी बिफ्ट पड़ा, यहाँ ऑर्डिनरी बिफ्ट दिख रहा है, ऑर्डिनरी बिफ्ट प्लेन बिफ्ट का है, और उस केस में क्या था, ये वाला जो एक्स्ट्रा बिफ्ट का जो असेंबली का फ्रेम है वो कहाँ चला जाएगा, अपने आप अपवार डायरेक्शन में चला जाएगा, ये फंक्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट फिर से एक्स्ट्रा बिफ्ट वाला बिफ्ट पड़ा, तो इसमें इतने नंबर ऑफ एंड्स अप हुए, यहाँ पे फ्लोट बन गया बिफ्ट का, वही फ्रेम है, कहीं पे भी कटिंग नहीं है, फिर से लोअर आ गया और इतने में उसने इंसर्ट किया, ठीक है। इंसर्शन कैसे होगा, वो नंबर ऑफ एंड ही डिसाइड करेंगे कि कितना बिफ्ट उसको लेना है। शटल का शटल तो जाएगी अपने डिजाइन की विड्थ के अकॉर्डिंग, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, लेकिन अगर हमारे रेज जो एंड हैं वो सिर्फ इतने ही एंड रेज हुए थे, तो हमारा जो बिफ्ट है वो उतना ही लेगी वो शटल, इतना तो समझ में आता है। अब अगर इतने एंड रेज हुए थे तो इतना उसने डिजाइन ने लिया, ठीक है। इस हिसाब से फिर से ऑर्डिनरी, फिर से अब अपना एक्स्ट्रा बिफ्ट वाली जो शटल है वो इतने नंबर ऑफ एंड रेज हुए, और यहाँ पे बैक में जो बिफ्ट का फ्लोट इतना बन गया।
और ये यान कंटिन्यूअस है, इस तरीके से यान कंटिन्यूअस चलेगा, क्योंकि ऑर्डिनरी पिक में क्या है जाएगी, वो सारे जो एक्स्ट्रा जो स्मॉल सटल फ्रेम के जो फ्रेम है वो अपवर्ड हो जाएगा जब ऑर्डिनरी पिक पड़ेगा, और जब डिजाइनिंग वाला पिक पड़ना है तो अपने आप लोअर हो जाएगा। तो अब इसमें दोनों अपवर्ड और लोअर के होने के कारण लूम की स्पीड डाउन हो रही है, लेकिन इसमें जो क्या है एक्स्ट्रा विफ्ट जो बेसिकली स्नेक मोशन में चल रहा है। ये देख रहे हैं ना जो हमारा कर्सर हम जैसे दे रहे हैं, कैसे ध्यान दें इस तरीके से एक्स्ट्रा विफ्ट का इंटरलेसमेंट होगा। तो अब हमारा जो एक्स्ट्रा विफ्ट है वो उतना ही कंज्यूम हो रहा है जितना डिजाइन में चाहिए, कहीं पे भी हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा विड्थ को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब ये वाला स्पॉट हमारा बन गया, इसके लिए क्या होगा, यहां से देखिए यहां तक पहुंचने में अपना सिर्फ ग्राउंड थ्रेड यूज किया गया है क्योंकि कहीं पे भी वो नहीं है। ठीक है ना, तो डॉटेड लाइन हमारी क्या शो कर रही है कि डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, एक डिजाइन से दूसरी डिजाइन के बीच में हमें हमारा जो जो एक्स्ट्रा विफ्ट वाला जो फ्रेम है वो हमारा वर्किंग में नहीं रहेगा, मतलब यहाँ सिर्फ ग्राउंड पे कैंसिल किए जाएंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। फिर इसके बाद जब ये डिजाइन आएगी तो फिर से वो फ्रेम डाउन आ जाएगा, फ्रेम डाउन आ जाएगा, वो क्या अल्टरनेट वे में डाउन आएगा, वो पहले ऑर्डिनरी फिर नॉर्मल एक्स्ट्रा वेट फिर ऑर्डिनरी, इस तरीके से फिर यहाँ पे वर्किंग होगी। तो जो फ्रेम है माना कि 10 शटल है तो हो सकता है उसमें 5 शटल ही वर्क कर रहे हैं क्योंकि डिजाइन के अकॉर्डिंग है ये सारी चीजें। आई थिंक ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम चलते हैं, हम चलते हैं कि जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली ये वाला शटल फिर से कब वर्क करना शुरू होगा, जब ये वाली डिजाइन यहाँ से फिर से यहाँ पे आएगी तो फिर फ्रेम अब इसका मतलब क्या है, जो थ्रेड है जो थ्रेड्स फ्लोट्स लूजली ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द क्लॉथ फ्रॉम वन स्पॉट टू अनदर। अब जो थ्रेड है, अब यहाँ पे हम कह रहे थे यहाँ पे जो हमारा यहाँ तक की डिजाइन बन गई, ये यहाँ से कंप्लीट हो गया, यहाँ डिजाइन बन गई। ठीक है, अब यहाँ वाला जो थ्रेड है उसका क्या होगा, यहाँ पे तो शटल कंटिन्यू थी, यहाँ पे कट नहीं होता है। ठीक है ना, ये वाला थ्रेड जस्ट फ्रॉम यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेम ऊपर रहा, इतना लंबा जो फ्लोट है वो फैब्रिक के फ्रंट डायरेक्शन में हमें फेस, वो हमें ऑल्दो रहता तो बैक में है लेकिन हमारी बैक डायरेक्शन अपवर्ड है तो हमें इतना लंबा फ्लोट ये यहाँ से यहाँ तक का दिखेगा, और यही जो यार्न है बस इतना ही यार्न हमारा बेस स्टेज में निकलता है इतनी लंबाई का। तो इसे हम बाद में भी कट कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है अब हमारा जो यहाँ पे जो स्नेक मोशन में जो हमारा विफ जा रहा है इसको यहाँ पे फास्टेन करके बीप में इस तरीके से फास्टेन करके रखा जाता है कि आफ्टर जो ये यान की कटिंग के बाद हमारी डिजाइन में ये जो विफ्ट है वो अनरेवल ना हो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम इस यूनिट रिपीट की बात करें तो कितने हमें कार्ड ग्राउंड के लिए लेने हैं, कितने हमें कार्ड हमें हमें
फिगरिंग के लिए लेना है, क्योंकि हर पिक के लिए एक कार्ड डिजाइन होगा। अगर हमारी डिजाइन डिफरेंट है तो ये डिजाइन हमारी कितने पिक में कंप्लीट हो रही है, ये डिजाइन हमारी कंप्लीट हो रही है 56 × 64 में, ठीक है। सॉरी कंफ्यूजिंग, ये डिजाइन हमारी जो कंप्लीट हो रही है वो हमारी कंप्लीट कितने में हो रही है, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ इस वाली रो से इतने में डिजाइन हमारी कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। अब हम इसको लेके चलते हैं, हमें एक्स्ट्रा विड्थ के लिए हमें कितने कार्ड बनाने होंगे, डिजाइन की रिपीट में कितने हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। एक्स्ट्रा वेफ्ट के जो हमने डार्क वाले अगर हम थ्रेड देखें तो हमारी डिजाइनिंग में एक्स्ट्रा वेफ्ट के 25 धागे हैं, ठीक है। तो 25 डिफरेंट टाइप के कार्ड एक्स्ट्रा वेफ्ट के लिए लगेंगे। अब ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर इस फिगर की इक्विवेलेंट है, लेकिन नंबर ऑफ जो एंड्स हैं का रेजिंग है वो डिफरेंट है। यहाँ की एंड्स की रेजिंग और यहाँ की एंड्स की रेजिंग डिफरेंट है इस यूनिट रिपीट में। तो 25 इसके लिए कार्ड लगेंगे, 25 इसके लिए कार्ड लगेंगे, और यही जो यूनिट रिपीट है कंप्लीट करके कंप्लीट डिजाइन बना रही है, तो हमें एक्स्ट्रा अदर कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं, वही कार्ड काम करेंगे। तो 25 इसके कार्ड, 25 इसके कार्ड, तो 50 कार्ड, 50 कार्ड बन गए एक्स्ट्रा थ्रेड के। और अगर हम बात करें ग्राउंड थ्रेड की, तो ग्राउंड थ्रेड में कितने एंड की डिजाइन है, ये बॉक्स 8x8 का बॉक्स है, कितने बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 × 8 मतलब 64 कार्ड लगेंगे हमारे ग्राउंड के। और जो डिजाइन में कितने यूज होंगे कार्ड, डिजाइन में यूज होंगे जो टोटल कार्ड यूज होंगे डिजाइन में वो होंगे 50, ठीक है। और रिमेनिंग 7 कौन कौन से होंगे, 7 यहाँ पे इन ऑपरेटिव कंडीशन में रहेंगे, यहाँ पे भी 7 इन ऑपरेटिव कंडीशन में, तो 7 × 7 = 14 + 50 डिजाइन की, तो 64 कार्ड ग्राउंड थ्रेड के और टोटल 50 कार्ड डिजाइन के बनेंगे। और इस हिसाब से ये हमारी वीविंग प्रोसेस कंप्लीट होगी। ये हमारी सिविल वीविंग थी, आई थिंक ये समझ में आएगी। किसी को डाउट है तो वो हमें क्वेरी भेज कर सकते हैं।